नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे टमटम पूरी दिख रही है मसाला वाली, ये ज्वारी की है। एकदम दिखने में भी कितनी अच्छी हो, खाने में तो बहुत यानी बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो आपने एंड तक वीडियो देखना है दोस्तों, कैसे बना एकदम ये झटपट बनने वाली चीज़। और ज्वारी तो सबके घर में रहती है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ज्वारी का आटा लिया, एक बाउल लिया है दोस्तों छोटा वाला, और यहाँ पे तीन या चार चम्मच मैंने यानी चार ही चम्मच मैंने छोटा वाला बेसन का आटा लिया है। इसका कोटिंग आता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। अभी आपको मैं इसकी एक एक बीच बीच में टेस्ट बताती जाऊंगी, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ज्वारी और तीन या चार चम्मच मैंने बेसन का आटा लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हमको ज्वारी का डो बनाना है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल पानी नहीं चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गर्म पानी पहले कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दो ग्लास गर्म पानी करने को रख दिया, गैस ऑन कर लिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप किधर घूमने गए, कहाँ पर, तो ये ज्वार की पूरी आप कहाँ भी खा सकते हो, एकदम ये दो एक हफ्ता अच्छी तरह से रहता है। तो इसी तरह से आप बनाओगे तो एंड तक वीडियो देखना। और पानी को गर्म ही पानी लेना है, ठंडा पानी में हमें डो बनाना नहीं है। तो हम लोग पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो गया। यहाँ पे हमें खोलना वाला पानी नहीं चाहिए, नहीं उबाल वाला नहीं चाहिए, गर्म होना चाहिए खाली, फिर बने। इससे क्या होगा, बाजरी का आटा, ज्वारी का आटा हमारा चिकना बन जाएगा, क्योंकि ज्वारी का आटा के साथ दरदरा होता है, इसलिए मैं हल्का सा गुनगुना मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक थाली ले ली है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ज्वारी का आटा डाल देंगे, एक बाउल बेसन का आटा डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग धना जीरा पाउडर एक चम्मच, जीरा आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच तेल, एक चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, कलर आती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसमें ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे मैं ग्रीन चिल्ली नहीं डाल रही हूँ, या कश्मीरी मिर्ची डाल रही हूँ, कलर भी अच्छा आता है, खाने में टेस्ट आ जाती है। यहाँ पर हम लोग खाली सिर्फ लहसुन ही लेंगे, सिर्फ लहसुन को अच्छी तरह से मैंने इसे कूट लिया हुआ है, देख रहे हो 10 या 12 लहसुन की कलियां मैंने इसे कूट ली है, क्योंकि लहसुन ही पूरी बनने वाली है। और यहाँ पे हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और यहाँ पे हमें ऑयल वगैरह कुछ डालना नहीं है दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही हमें आटा गूंदना है। और यहाँ पे हम लोग धनिया डाल देंगे, धनिया आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हो। और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं मसाले को। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो दोस्तों, और घर में कुछ नहीं होगा तो आप ये बना के खा भी सकते हो, आचार के साथ, किसी के साथ भी, ऐसे भी आप पूरी ये खा सकते हो। खास करके अभी बच्चों को तो छुट्टी लग गई, तो आप बच्चों को ये बना के दे सकते हो, टाइम पास भी होता है और पेट भी भरता है बच्चे लोगों का, कुछ नया ही यूनिक। वैसे तो बच्चे लोग ज्वारी का कुछ खाते ही नहीं, खाली सिर्फ रोटी खाते या चावल ही खाते। आप इस तरीके से बच्चों को दोगे तो बच्चों को सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और बच्चे लोग ऐसे खाते भी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों, देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा गुनगुना पानी मैंने लोटे में रख दिया है, और हल्का हल्का पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, हल्का हल्का इसका डो बनाते रहना है, थोड़ा टाइट ही डो बनाना है हमें। गर्म पानी से क्या होता है, हमारा डो पूरा चिकना बन जाएगा। आप नॉर्मल पानी लोगे तो ये डो चिकना बनेगा नहीं, क्योंकि ज्वारी का आटा के साथ थोड़ा सख्त होता है यानी छूट जाता है, तो इसका बात का अपने ध्यान देना है। धीरे धीरे करके पानी हमें डालते जाना है। आपको लगेगा नहीं कि आपने ज्वारी की पूरी बनाई है, और खाने में बहुत टेस्टी होती है। प्लीज घर पे बनाना है और कमेंट करना है कैसी लगी है ज्वारी की पूरी फुली फुली, और बेल आइकन पे प्लीज क्लिक करना है, यानी जो भी मेरा जो नया वीडियो होगा आपके पास पहले आ जाएगा मोबाइल में। मैं ये डो स्किप नहीं करूंगी, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपने देखना है, ये वाला डो कैसे मैं बना रही हूँ। मैं हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ, देख रहे हो, इसमें बहुत थोड़ा पानी लगता है और आटा तुरंत चिकना बन जाता है और एकदम छुट्टा नहीं है। और ये झटपट बनने वाली हमारी पूरी है मसाला बाजरी की। इसी तरह से हल्का सा पानी लगेगा, और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्का सा, एक चम्मच जैसा मैंने लिया हुआ है, देख रहे हो एकदम पूरा चिकना डो बन रहा है हमारा। और यहाँ पे अपने थाली का यूज करना है दोस्तों, थाली से क्या होगा, एकदम मालिश हमारा डो का अच्छा बनेगा।
आपको जैसे अच्छा लगा वैसे आप दो बना सकते हो दोस्तों। इसी तरह से हम लोग दो पूरा बन गए हैं। यहाँ पे हमारा डो बन गया, देखो आप देख रहे हो एकदम अच्छी तरह से। गरम पानी डालने से क्या होगा, ये डो एकदम परफेक्ट बन गया हमारा। डिजर्ट आपके सामने ऐसा लगेगा ना कि हमें ज्वारी का डो बनाया हुआ है। इसी तरह से तो यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी लुइया बना लेंगे। यहाँ पे ऑयल वगैरह कुछ लगाना नहीं दोस्तों हमें। इसी तरह से आपको जो साइज का चाहिए वो साइज का आप बना सकते हो पूरी इसी तरह से। और एक बार बताएंगे हम इसे, बाकी सारे लोई हम ऐसे ही बना लेते पेड़े। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से। अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चकला ले लिया और यहाँ पे पेड़ा ले लिया और यहाँ पे मैंने सूखा डो ले लिया हुआ है। इसको हम लोग से डस्ट करेंगे, इसे में बेलने में आसान तरीका हो जाएगा और हमारी फूली अच्छी तरह से फूल लेगी। हल्के हाथों से बेलना है दोस्तों इसी तरह से। और यहाँ पे हमने एक वाटी की मदद से हम लोग यहाँ पे गोल कर लेंगे इसी तरह से। और वापस अभी ये जो डो बच रहा है तो इसका ऐसा नहीं कि इसमें मैं डाल दें, इसको वापस हल्का सा पानी लेके इसकी मालिश कर लेनी तो ये और सॉफ्ट डो हो जाता है इसी तरह से। अब एक दूसरा हम लोग तरीका बताएंगे, इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा डो ले लिया, इसको अच्छी तरह से ले लेंगे, हल्का सा पानी ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और हमें चिकना डो मिल जाएगा। थोड़ा सा ही पानी लेना, ज़्यादा लेना नहीं, देख रहे हो ये एकदम चिकना बन जाता है इसी तरह से। अभी एक ही साथ हम लोग दो तीन पूरी निकाल लेते हैं। इसको डो को आटे में डिप करेंगे और इसको इसी तरह से हम लोग बेल लेना है। हल्के हल्के हाथों से बेलना है, थोड़ा हल्का सूखा डो लगा लेते हैं यानी ये बेलन को चिपकेगा नहीं। अभी ये साइड में क्रैच हो रही है तो कोई बात नहीं, हमें खाली वाटी से गोल गोल घुमाना है। अभी ये देख रहे हो इसी तरह से। और एक पूरी, धीरे हाथों से कान निकालना है दोस्तों, हल्के हाथों से इसी तरह से। देखा इसी तरह से बाकी की सारी पूरी हम लोग कर लेते हैं। बाकी सारे हमने इसे बना लिए दोस्तों। यहाँ पे ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी एक ही पूरी हम इसमें डाल देंगे। और कड़क ऑयल चाहिए दोस्तों, ठंडा ऑयल हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग दो दो पूरी करके डालेंगे क्योंकि अच्छी फूल जाएगी ये। आपको फूलने वाली नहीं चाहिए तो आप इसको पतला बेल लेना है, इससे क्या होगी ये एकदम क्रिस्पी बन जाएगी, देख रहे हो इसी तरह से। गरम ऑयल होने से क्या होता है ये एकदम अच्छी बन जाती है और खाने में तो बहुत यानी बहुत टेस्टी। आप नॉर्मल पूरी जो खाते हैं वैसे आप खाओगे ना, यही पूरी खाओगे। अब ये पूरी हमारी फूल गई है, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने। बाकी की सारी पूरी हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाकी की सारी पूरी बना ली है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छी तरह से गर्म करके रख दिया है पहले ही। और अभी यहाँ पे मैंने एक एक पूरी छोड़ देंगे और यहाँ पे ऑयल गर्म होने के बाद ही हमें डालना है अच्छी तरह से। ठंडा ऑयल होने के बाद नहीं डालना है तो ये पूरी फूलेगी नहीं। आपको नहीं फुलानी होगी तो आप ऐसे भी पतला बेल लेना है। देख रहे हो टमटम फूल गई है। इसको हम पलटी कर लेते हैं क्योंकि गरम ऑयल हो गया हमारा बहुत, और गरम गरम ऑयल में ही अच्छी लगती है ये खाने में और टाइम भी कम होता है और फटाफट बन भी जाती है। देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने इसी तरह से। इसी तरह से बाकी के सारी पूरी हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दी मैंने ज्वारी की पूरी, वो भी मसाला। रिजल्ट आपके सामने देख रहे हो कितनी खस्ती बन रही है यानी एकदम सॉफ्ट। तोड़ के बताओगे मैं आपको और एकदम फुली फुली है दोस्तों इसी तरह से, है ना। ये एकदम झटपट बन जाती कुछ नहीं, ये भी देख लो इसी तरह से। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा तो जितना होगा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना बोलना और बेल आइकन पे भी क्लिक करना, यानी जो भी मेरी जो नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। और ऐसे ही प्यार देते रहना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।